आपको कुछ काम करना है, अगर आप भी उस समय सो जाइएगा तो फिर आप कुछ काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यही बात होता है, अभी तो सोने का कोई रीज़न नहीं है। तो आप, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप इस वजह से भटक जाएं अपने रास्ते से, तो अपने रास्ते में हमेशा पॉजिटिविटी रखिए मन में जो भी। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे कि खाना बन चुका है, बेबी को नहा दी हूँ मैं और हो गया मेरा सारा काम। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा घर की साफ़ सफाई करूँगी क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। मैं कोशिश करती हूँ कि वीक में एक बार डीप क्लीनिंग करूँ घर की, तो वो आज दिन है करने का। तो सारा काम मेरा हो चुका है और मैं पूजा करने आ चुकी हूँ और कोशिश करती हूँ मैं कि हर दिन पूजा करूँ। कभी कभी स्किप भी हो जाता है, लेकिन कोशिश रहता है कि मैं हर दिन पूजा करूँ। तो अभी मेरा नहाना भी कंप्लीट हो गया, मैंने पूजा भी कर लिया और आप देख सकते हैं कि पूजा करने के बाद एक मन में पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम भी मिलता है तो थोड़ा बहुत भगवान का भी ध्यान किया कीजिए, क्योंकि इससे एक होता है कि आपके मन को शांति मिलती है, मन पॉजिटिविटी आती है और आपका जो भी प्रॉब्लम है भगवान के साथ शेयर किया कीजिए। पता है मैं क्या करती हूँ कि मैं अपना जो भी प्रॉब्लम होता है मैं लोगों से शेयर नहीं करती हूँ, मैं भगवान से शेयर करती हूँ जो भी मुझे होता है। मतलब जो भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब इसका सोल्यूशन भगवान के पास ही है और मैं उन्हीं से शेयर करती हूँ। और मैं आपको जो भी बताती हूँ वो मैं अपने लाइफ में ट्राई कर लेती हूँ, वो चीज़ मेरे लाइफ में सक्सेस होता है तभी मैं आपको बताती हूँ। तो मैं जो भी बताती हूँ आपको, आप एक चीज़ को फॉलो किया कीजिए और देखिए कि उससे आपकी लाइफ में कितना चेंज आता है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि आपको लोग क्रिटिसाइज़ करने चले आएंगे, बहुत लोग होंगे। अगर आप एक गलती कीजिएगा तो बहुत सारे लोग आपको बोलने के लिए चले आएंगे, लेकिन अगर आप चाहिएगा कि आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो कोई सही सलाह देने नहीं आएगा, ठीक है। तो आप, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप इस वजह से भटक जाएं अपने रास्ते से, तो अपने रास्ते में हमेशा पॉजिटिविटी रखिए मन में जो भी होता है, आप भगवान से शेयर कीजिए। अपने दोस्त मुझे मानते हैं तो आप बहन मानते हैं तो आप मुझे भी शेयर कर सकते हैं। मेरे पास अगर उसका सॉल्यूशन होता है हो तो मैं आपको शेयर करूँगी। तो चलिए बात हो गई बहुत ज़्यादा, अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करूँगी। ब्रेकफास्ट लंच जो भी कर सकते हैं वो एक ही बार मेरा हो जाता है, तो मैं वो खा लेती हूँ खाना और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत जो काम बचेगा वो करूँगी, उसके बाद अपना पढ़ाई करूँगी। तो अब मैं पढ़ने बैठ चुकी हूँ और अभी मैं झारखंड पढ़ रही हूँ, क्योंकि जो स्टेट पीसेस होता है वो आपको स्टेट के बारे में पढ़ना होता है। जैसे मेरे झारखंड है तो मुझे झारखंड भी पढ़ना होता है अलग से, और प्लस में जो जीएस है वो यूपीएससी के ही जैसा सेम सिलेबस है, बस लेवल ऊपर नीचे रहता है। तो उधर मेरा जीएस चलता है, उधर मैं टाइम निकाल के आधा घंटा या एक घंटा या वीक में एक बार एक दिन मैं झारखंड को पढ़ने का प्रयास करती हूँ, ताकि जो मेरा सिलेबस है वो बैलेंस में रहे। क्योंकि अगर आप झारखंड पीसेस को टारगेट कीजिएगा तो आपके आपके पास झारखंड का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि झारखंड को अगर अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आप अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ये मेरा रूटीन रहता है, कभी कभी मेरा रूटीन चेंज भी रहता है। तो जो मैं आज रूटीन दिखा रही हूँ इससे आपको बहुत कुछ हेल्प भी मिल सकता है और इस तरह से आप भी अपना रूटीन में उसको फॉलो कर सकते हैं। सो हेलो गाइस, अभी मैं पढ़ रही हूँ तो मेरी पढ़ाई हो चुकी है, तो अभी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो मेरे पास एक कन्फ्यूज़न था किसी का, तो ये आया था, डाउट था कि आप कितने दिन में सोती हैं या रात में कब सोती हैं, इतनी जल्दी उठ जाती हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि रही बात दिन में सोने की बात, तो मैं दिन में कभी भी नहीं सोती हूँ। इवन जब मैं 10th क्लास में थी उसके बाद मुझे पढ़ाई के बारे में सीरियस हो गई, तो मुझे नहीं याद है कि मैं कभी दिन में सोई होंगी। कभी कभार एक आध दिन या ऐसे सो गई होंगी, तो मैं नहीं सोती हूँ दिन में, कभी भी नहीं सोती हूँ। और अभी तो खैर रीज़न ही नहीं है सोने का, क्योंकि जब आपके पास बच्चा होता है तो जब वो सोएगा तभी आपको कुछ काम करना है, अगर आप भी उस समय सो जाइएगा तो फिर आप कुछ काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यही बात होता है, अभी तो सोने का कोई रीज़न नहीं है। और रहा रात का सवाल, तो रात में पहले मैं जनरली 10 बजे सो जाती थी और सुबह आराम से उठती थी, जैसे कि 7 बजे उठती थी, 8 बजे उठती थी पहले जब बेबी नहीं थी तब। तो ये था मेरा सोने का पैटर्न, लेकिन मैं क्या करती थी, रात में मैं 12-1 बजे तक पढ़ती थी और फिर रात में आराम से 1 बजे सो गई और 8 बजे सुबह उठ गई। उस पहले कोई प्रेशर नहीं था, 7 बजे उठ जाना, 8 बजे उठ जाना, इस तरह से। लेकिन आफ्टर बेबी हुआ, आफ्टर बेबी के बाद क्या हुआ कि आपका सारा टाइम बेबी आपको बताएगा कि आपको कब क्या करना है, आप नहीं बता सकते कि आपको क्या करना है।
बेबी है कि कभी सुबह हो जाता है, उठ जाता है बच्चा, कभी रात में बहुत देर तक देर से सोता है। तो मेरा अभी क्या रूटीन है कि मैं, मेरा सोने में 1 बज जाता है, रात का 1 बज जाता है सोने में, और उठने का टाइमिंग मेरा 4:30 और 5 के बीच रहता है, कभी 4 भी बज जाता है, कभी 5:30 भी हो जाता है, मतलब इस तरह से ही रहता है। तो क्यों उठती हूँ मैं, ऐसा बात नहीं, तो क्योंकि मुझे अपना भी काम करना है। अगर मैं बच्चे के साथ पढ़ भी रही हूँ तो थोड़ा सा मुझे कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अगर मैं भी आराम से सोचूंगी कि मुझे आराम करना है तो फिर ये इसको छोड़ना पड़ेगा। आप किसी भी एक काम को ही कर सकते हैं, ठीक है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आप शादी के बाद तो पढ़ सकते हैं, लेकिन बेबी होने के बाद बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है, क्योंकि शादी होने के बाद मैरिज हो जाता है तो आपके पास है कि अगर आप सभी फैमिली लोग 10 बजे तक सो जाते हैं खाना खा के, तो आप भी सो सकते हैं, आप चाहें तो सो सकते हैं या आप 2 घंटे पढ़ सकते हैं अपने आप को जगा करके। लेकिन जब बच्चा जाता है तो अगर आपको नींद नहीं भी आ रही है तब भी आपको सुनाना है बच्चे को और खुद भी सोना होगा साथ में। अगर आपको पढ़ने का मन कर रहा है तो आप नहीं पढ़ सकते हैं, मतलब एक आप बाउंड्री में बन जाते हैं। ये होता है बेबी होने के बाद। मैरिज के बाद तो बहुत हद तक पॉसिबल हो जाता है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा चैलेंज नहीं आता है जितना बेबी होने के बाद आता है। आप बताइएगा कितने मेरे बात सहमत हैं, कॉमेंट कीजिएगा कि मैं गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है इन दिनों में। तो मेरा यही है कि मैं दिन में नहीं सोती हूँ, रात में मेरा 1 बजे तक सो जाती हूँ मैं, और सुबह 4, 4:30, 5, 5:30 के बीच में उठ जाती हूँ, और फिर मैं दिन भर नहीं सोती हूँ। तो बस मेरा थोड़ा सा, देखिए इससे ये नहीं है कि मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है, मुझे इसका इफेक्ट बॉडी में दिखता है। मुझे क्या होता है कि बहुत वीकनेस भी फील होता है कभी कभी, थोड़ा सा मतलब मूड स्विंग भी होते हैं, मतलब प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन दिन में ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं सो सकती हूँ 1 घंटे, चाहूँगी तो सो सकती हूँ, लेकिन मैं दिन में नहीं सोती हूँ क्योंकि मेरा आदत ही नहीं है। और अगर मैं दिन में सोती हूँ तो मेरे माइंड में कुछ अलग थॉट आने लगते हैं, जैसे कि मुझे ये होने लगता है कि मैं नहीं पढ़ रही हूँ या मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मतलब मुझे कुछ कुछ थॉट आने लगते हैं जिसकी वजह से मैं नहीं सोती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि 1 घंटा आधा घंटा रेस्ट करूँ, रेस्ट इन द सेंस मैं कुछ मोटिवेशनल चीज़ के बारे में सोचती हूँ, मोटिवेशनल पढ़ती हूँ, या कुछ अपना जो रिवाइज होता है वो मैं करती हूँ, मतलब इस तरह से करके मैं रेस्ट कर लेती हूँ 1 घंटा 1 घंटा हेडफोन लगा के, और कुछ सुनती हूँ पढ़ाई का ही रिलेटेड कुछ सुन लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि मेरा आराम भी हो जाता है और कुछ एक काम भी हो जाता है। तो ये मेरा सोने का पैटर्न रहता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक और क्वेश्चन था कि आप सिलेबस कैसे कवर करती हैं। जो मैं सिलेबस कवर करने का एक ही रूल रखती हूँ कि जैसे कि हिस्ट्री का सिलेबस है और पॉलिटी का सिलेबस है या ज्योग्राफी का सिलेबस, नो मैटर किसी का भी सिलेबस, कोई भी सब्जेक्ट का सिलेबस हो जीएस का, तो मैं टॉपिक वाइज स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री में पहले हिस्ट्री में मैं 4 पॉइंट को डिसाइड कर लेती हूँ, पॉलिटी में 4 पॉइंट को डिसाइड, इस तरह से पॉइंट वाइज कर लेती हूँ। फिर जब मेरा जो कंप्लीट होता जाता है उसको मैं क्लिक कर देती हूँ कि हाँ ये मेरा कंप्लीट हो गया, फिर मैं उसके आगे करती हूँ और मैं वीक में उसको रिवाइज कर लेती हूँ। इस तरह से मैं करती हूँ और ये मुझे बहुत आसान पड़ता है, मतलब ये सुटेबल लगता है मेरे लिए। और ये मैं आज से नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत पहले से इसी तरह से पढ़ती आ रही हूँ, और ये अभी जो है ये मेरे बहुत वर्क कर रहा है, ये वर्क है मेरे लिए अभी। तो आई होप आपको आज का जवाब, आज जवाब अच्छे से मिल गया होगा। तो आपने आज का ब्लॉग देखा, बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा, पसंद आता है ब्लॉग तो ब्लॉग को शेयर किया कीजिएगा ताकि और लोग भी समझें और अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। इतना भी मुश्किल नहीं है जितना भी मुश्किल हर चीज़ को सोचते हैं। तो ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा तो शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब किया तो नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कॉमेंट कीजिए, और क्या। तो चलिए मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ।